रणवीर सिंह का सोशल मीडिया पर हुआ गलत इस्तेमाल, डीपफेक वीडियो पे दर्ज हुई FIR। नमस्कार, मैं आपके साथ स्नेहा सोनी लेकर आई हूँ आपके लिए एक बड़ी खबर। AI का गलत यूज हो रहा है जो सेलिब्रिटीज और अन्य लोगों के लिए ज्यादा नुकसानदेह है। रश्मिका मंदाना से लेकर आलिया भट्ट और काजोल जैसे सितारों के बाद हाल ही में डॉन 3 स्टारर रणवीर सिंह का डीपफेक वीडियो सामने आया था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके रणवीर सिंह का एक डीपफेक वीडियो शेयर किया गया था, जिसके खिलाफ उनकी टीम ने कड़ा एक्शन उठाया। रणवीर सिंह के बाद अब उनके पिता जगजीत सिंह भगनानी ने भी डीपफेक वीडियो शेयर करने वाले यूजर्स के खिलाफ लीगल एक्शन लिया है। मंगलवार को रणवीर सिंह के पिता जगजीत सिंह भगनानी ने यूजर्स के खिलाफ FIR दर्ज करवाई। पिता ने अपनी FIR में बताया कि रणवीर सिंह की जिस वीडियो के साथ AI का यूज करके छेड़छाड़ की गई है, वो बनारस में हुए एक फैशन शो का है, जहां रणवीर सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम की तारीफ। हालांकि यूजर्स ने उनका एक ऐसा डीपफेक वीडियो शेयर किया जिसमें उनके शब्दों को गलत तरह से पेश किया गया है। यूजर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने के साथ ही रणवीर सिंह के पिता ने यह भी कहा कि उनके बेटे किसी भी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं। रणवीर सिंह के पिता द्वारा FIR के बाद पुलिस ने यूजर्स पर कई धाराएं लगाते हुए केस दर्ज किया। पुलिस ने IPC की धारा 417 चीटिंग के तहत लगाई, 468 लोगों को भ्रमित करने के उद्देश्य से लगाई और IPC की धारा 469 जानबूझकर किसी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना के तहत मामला दर्ज करवाया। रणवीर सिंह के पहले आमिर खान का भी एक डीपफेक वीडियो वायरल हुआ था, इसके खिलाफ उन्होंने मामला दर्ज करवाया था। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।